आज मैं लिटिल वुमेन एपिसोड 8 को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। लिटिल वुमेन एपिसोड 8 की शुरुआत पार्क जेसेंग के साथ होती है, जो डॉयल से इंजू को मारने के लिए कहता है, जब भी वह डॉयल पे ट्रस्ट कर सकता था। डॉयल उसे विश्वास दिलाता है कि कुछ टाइम बाद वह इंजू के साथ सिंगापुर जा रहा है और वह उसे वहीं पर मार देगा, जिससे किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा कि सिंगापुर में इंजू के साथ क्या हुआ है और वो कहाँ पर गायब हो गई है। बाद में पार्क जेसेंग अपनी वाइफ से बात करने जाता है और उसे सभी चीज़ों के लिए माफ़ी मांगता है और कहता है कि कल से वो फ्री हो जाएगी। ये सुन के वो कहती है कि क्या वो उसको प्रोटेक्ट करेगा, जिससे पार्क जेसेंग कहता है कि उसने स्कूल टाइम में ही उससे प्रॉमिस किया था कि वो उसको प्रोटेक्ट किया करेगा। दूसरी साइड इनक्विन एक वियतनाम वॉर के शोल्डर से बात कर रही होती है, जहां वो बताता है कि डॉयल के फादर एक स्पेशल फोर्स के पार्ट थे और वो ग्रुप एक डेंजरस सोल्जर का ग्रुप था, और वो बातों बातों में ब्लू रॉकेट्स का जिक्र करते हैं, जिससे इनक्विन सोच में पड़ जाती है। बाद में हम डॉयल और इंजू को साथ में बात करते हुए देखते हैं और वो सच का पता लगाने के लिए इंजू को सिंगापुर चलने के लिए कहता है और इंजू चलने के लिए रेडी जाती है, क्योंकि उसको पता लगाना था कि क्या सही में हवायंग जिंदा है। उसी दिन डॉयल और इंजू सिंगापुर रवाना होने के लिए एयरपोर्ट जाते हैं और इंजू कॉल करके इनक्विन को कन्फर्म करती है अपने सिंगापुर ट्रिप के लिए और पीछे से उसको भी वहाँ सिंगापुर आने के लिए बोलती है। दूसरी साइड पार्क ह्यूरिन अपने हाउस के सारे कैमरेज को हैक कर लेती है और अपने सारे सामान को कलेक्ट करती है ताकि वो वहाँ से आसानी से भाग सके। इन्हें पार्क ह्यूरिन की पासबुक को देखती है, जिसमें काफ़ी ह्यूज अमाउंट्स थे। इसके बाद पार्क ह्यूरिन छुपके से सीढ़ियों की हेल्प से अपने मदर के रूम में घुस जाती है और वो नोटिस करती है कि उसकी मदर के हाथों पे चोटों के निशान हैं और वो उससे कहती है कि उसने भागने के लिए सारे इंतजाम कर रखे हैं। रूम के बाहर से इन्हें उन दोनों की बात सुन रही होती है। पार्क ह्यूरिन की मदर बताती हैं कि उसके फादर ने उससे माफ़ी मांग ली है और अब उन दोनों के बीच में सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है, तो अब उसे भागने की ज़रूरत नहीं है। वो धीरे से पार्क ह्यूरिन के कान में कुछ बोलती हैं, जिसे शायद बाहर से इन्हें नहीं सुन पाती है। सिंगापुर में डॉयल इंजू को एक लग्जरियस होटल में ठहरने के लिए ले जाता है, क्योंकि नेक्स्ट डे उस होटल में ऑर्किड फेस्टिवल हेल्ड होने वाला था। वो जैसे ही होटल में एंटर करती है, होटल के स्टाफ उसका वार्म वेलकम करते हैं और सारे उसे ऐसे ट्रीट कर रहे होते हैं जैसे वो कोई VIP हो। होटल का मैनेजर उसे बताता है कि वो दुनिया के सबसे इम्पॉर्टेंट लोगों में से एक है, क्योंकि वो कितने सालों से ऑर्किड फेस्टिवल में सबसे हाईएस्ट बिडिंग करती हुई आ रही है। इंजू को उन लोगों की बातें समझ में नहीं आ रही होती है, क्योंकि वो इंग्लिश में बात कर रहे थे, इसीलिए वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर के यूज़ से उन सब की बातें समझ रही होती है। इंजू को बिलीव नहीं हो रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी। बाद में कोई इनक्विन के घर में घुस जाता है और जब इनक्विन चेक करती है तो उसको पता चलता है कि ये डॉयल के फादर आए हुए हैं और वो उस बोर्ड को देख रहे होते हैं जिस पर इनक्विन ने जिग्रन सोसाइटी के सारे मेंबर्स के बारे में इन्वेस्टिगेशन किया था। वो बताते हैं कि उनके ग्रैंड आंट जिग्रन सोसाइटी की मेंबर नहीं थी। इनक्विन उनसे इंटरव्यू देने के लिए कहती है ताकि जिग्रन सोसाइटी और पार्क जेसेंग की सच्चाई पूरी दुनिया को पता चले, लेकिन वो कहते हैं कि उस पर कौन बिलीव करेगा, क्योंकि वो एक अल्कोहलिक रिपोर्टर है, जिससे इनक्विन अपने सीनियर से बात कराती है और ये सब सुन के वो इंटरव्यू देने के लिए रेडी जाते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि अगर वो सच सामने लाने में कामयाब नहीं हो सकी तो वो सबके सामने पार्क जेसेंग को मार देंगे। बाद में वो इनक्विन को एक ट्रक में बहुत सारे वेपन्स दिखाते हैं जो उन्होंने 20 साल से तैयार किया था। वो डर रहे थे कि उनके बेटे डॉयल को पार्क जेसेंग मर्डरर न बना दे, क्योंकि वो पहले ही एक मर्डरर का बेटा कहला रहा है और अब वो उसको सेव करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। ये सब सुन के इनक्विन हैरान हो जाती है और वो बताती है कि उसके पास कंपनी का लेजर है और जिसके हेल्प से वो पार्क जेसेंग का सच बाहर ला सकते हैं, और वो कहती है कि अगर वो फेल हो जाएगी तो वो अपने प्लान को आगे बढ़ा सकते हैं। बाद में इंजू अलग अलग प्लेसेस पे जाती है और वहाँ पे हवायंग के सोशल मीडिया को देखकर उसे मिस करने लगती है। बाद में वो डॉयल से मिलती है और वो दोनों मिलके उसी कैफे में जाते हैं जहाँ फेक इंजू आया करती थी, और वो उसकी फ़ोटो दिखा के कैफ़े के ऑनर से उसके बारे में पूछते हैं। ये सब सुन के कैफ़े का ऑनर हंसने लगता है और कहता है कि क्या वो दोनों उसका मजाक बना रहे हैं। वो इंजू की तरफ इशारा करके बताता है कि ये फ़ोटो वाली लड़की यही मैडम है। ये सुन के वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और उसके बाद दोनों उसी रेजिडेंट पर जाते हैं जहाँ वो फेक इंजू रहा करती थी। जब वहाँ पर इंजू जा रही होती है तो उसे बहुत स्ट्रेंज लगता है, क्योंकि सारे लोग उसे पहले से ही जानते थे और वो उसे ग्रीट कर रहे थे। इंजू उस रूम में अलग अलग पासवर्ड डाल के ओपन करने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं खुलता है। बाद में दोनों एक कंक्लूजन पे आते हैं कि शायद वो फेक इंजू बिल्कुल इंजू की तरह ही दिखती है, जब ही सारे उसके साथ ऐसे बिहेव कर रहे हैं। डॉयल इंजू से कहता है कि उन्हें ऑर्किड्स फेस्टिवल अटेंड करना पड़ेगा, जब भी वो उस लड़की के बारे में पता लगा सकते हैं, क्योंकि वो लड़की वहाँ पर पक्का आएगी। ऑर्किड फेस्टिवल में जाने से पहले इंजू का स्टाफ उसको रेडी कर रही होती है, और जब इंजू रूम से बाहर निकल के आती है तो डॉयल उसको देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो उस टाइम बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रही थी। डॉयल उसे कुछ ज्वेलरीज पहनने को देता है और इसके बाद दोनों ऑर्किड्स फेस्टिवल अटेंड करने के लिए निकलते हैं। जब इंजू और डॉयल हॉल में एंटर करते हैं तो सारे लोग इंजू को ही देख रहे थे,
और इंजू वहाँ पे स्पॉटलाइट में थी। ये सब देख के इंजू को थोड़ा अजीब लग रहा था, जिससे डॉयल उसे कहता है कि वो जितना हो सके नेचुरल बिहेव करने की कोशिश करे, क्योंकि रियल इंजू वही है और उसे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी देर बाद फ्लावर्स की वेडिंग शुरू होती है और डॉयल इंजू को ज़्यादा से ज़्यादा वेडिंग लगाने के लिए कहता है ताकि वो स्पॉटलाइट में आ सके। जैसा डॉयल कहता है इंजू वैसा ही करती है और हाईएस्ट वेडिंग लगा के उस एक्सपेंसिव ऑर्किड्स को जीत लेती है, जिससे सबका अटेंशन उसकी तरफ चला जाता है। बाद में कुछ लेडीज़ इंजू की तारीफ कर रही होती हैं, जब भी वहाँ पर एक लेडी आती है और वो इंजू को देख कर शॉक्ड हो जाती है और बताती है कि उसने उसे कुछ देर पहले येलो ड्रेस पहने हुए रेस्ट रूम में देखा था। ये सब सुन के इंजू हैरान हो जाती है और वो उस रेस्ट रूम को देखने के लिए भागती है। उसको ऐसा लग रहा था कि पक्का वो हवायंग है, लेकिन उसे वहाँ पे कोई नहीं दिखता है। डॉयल उसे रोकता है और वैसे ही उसके पास एक स्टाफ लेडी आती है और वो इंजू को एक नोट देती है। उसे पढ़ के इंजू को लगता है कि हवायंग जिंदा है। दूसरी साइड पार्क जेसेंग इन्हें से क्वेश्चनिंग करता है कि पार्क ह्यूरिन अपने मदर के रूम में कैसे घुस गई थी, क्या वो भी उसको भागने में हेल्प कर रही है। लेकिन इन्हें पार्क ह्यूरिन के कैमरे को हैक करने के बारे में नहीं बताती है, बल्कि कहती है कि वो उसे और पार्क ह्यूरिन को उन एडल्ट्स के मैटर में क्यों इन्वॉल्व कर रहा है। ये सब सुन के पार्क जेसेंग बताता है कि उसने इंजू के पीछे अपने कुछ आदमी भेजे हैं और अब इंजू बच नहीं पाएगी। इसके बाद वो एक इंटरव्यू में जाता है, जहां वो देखता है कि उसके स्पेशल गेस्ट के तौर पर उसकी डॉटर पार्क ह्यूरिन इंटरव्यू के लिए आई है। उसे वहां पर देखकर उसे कुछ सस्पिशियस लगता है, लेकिन वो सबके सामने नॉर्मल एक्ट कर रहा होता है। इन्हें जल्दी से इंग्विन को कॉल करके सारी बातें बताती है कि इंजू की जान खतरे में है, क्योंकि पार्क जेसेंग को इंजू के सिंगापुर ट्रिप के बारे में पता चल गया है और उसने कुछ आदमी उसके पीछे भेजे हैं। ये सब सुन के इंग्विन शॉक्ड हो जाती है। बाद में पार्क जेसेंग ह्यूरिन से पूछता है कि वो यहाँ पे क्यों आई है और उस पर गुस्सा कर रहा होता है कि उसकी मदर सिंगापुर भाग गई है, जिससे पार्क ह्यूरिन ज्यादा पैनिक हो जाती है कि उसकी मदर उसे अकेले छोड़कर वहाँ पे चली गई है, जिससे इन्हें उसे हॉस्पिटल में ले जाती है। पार्क ह्यूरिन उसको सब कुछ बता रही होती है कि क्या हुआ, लेकिन इन्हें को समझ में नहीं आ रहा था कि पार्क जेसेंग को कैसे पता चला कि पार्क ह्यूरिन की मदर सिंगापुर के लिए गई है। सिंगापुर में डॉयल और इंजू बहुत सारे बैंक में जाते हैं, जहां उनको अपने सारे पैसे विड्रॉ करने थे, और जब ही उसके पास इंग्विन का मैसेज आता है कि पार्क जेसेंग को उसकी ट्रिप के बारे में पता चल गया है और वो उसे डॉयल से संभल के रहने के लिए कहती है। लास्ट बैंक में जाने से पहले इंजू डॉयल से क्वेश्चनिंग करने लगती है कि वो पैसों की वजह से उसको प्रोटेक्ट कर रहा है और अब वो सारे पैसे विड्रॉ कर रहे हैं, तो क्या गारंटी है कि वो उसको प्रोटेक्ट करेगा। ये सब सुन के डॉयल उसे एक गन देता है और कहता है कि वो सही बोल रही है, उसे ऐसे किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन वो उसका ट्रस्ट कभी भी ब्रेक नहीं करेगा। बाद में वो दोनों उसी बैंक में जाते हैं और सारे फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके पैसे विड्रॉ कर लेते हैं। बाद में वो दोनों जब वहाँ से वापस आ रहे होते हैं तो एक ओल्ड लेडी इंजू से टकरा जाती है और वो उसे एक नोट चुपके से देती है और उसे किसी की तरफ इशारा करके बताती है। इंजू देखती है कि कोई येलो ड्रेस में एक लड़की वहाँ से भागती हुई जा रही है और उसे लगता है कि वो हवायंग ही है। इंजू जब उस नोट को पढ़ती है तो उसमें लिखा था कि डॉयल उसके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है, तो उसे वहाँ से भाग जाना चाहिए, और उसमें कुछ प्लान लिखा हुआ था जिसे इंजू को फॉलो करने के लिए कहा गया था। प्लान के मुताबिक इंजू वहाँ से भाग के कार में बैठ जाती है और नोट में जो प्लेस मेंशन था वो कार का ड्राइवर उसे वहीं पे ले जा रहा होता है। जब ही वो देखती है कि कोई कार उसे फॉलो कर रही है, जिसे इंजू का ड्राइवर बहुत ही फास्ट ड्राइव करने लगता है, और इसी भागम भाग में इंजू के कार का एक्सीडेंट हो जाता है। जब इंजू को होश आता है तो वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाती है और उसे ऐसा लग रहा होता है कि हवायंग उसके पास है और वो उसे इस बैग के साथ वहाँ से भागने के लिए कह रही होती है। कुछ देर बाद इंजू पूरी तरीके से होश में आती है तो वो वहाँ पे वही शूज नोटिस करती है जो हवायंग ने अपने सैंडल से एक्सचेंज किया था जब वो दोनों रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए थे। इससे वो कन्फर्म हो जाती है कि हवायंग अब भी जिंदा है, इसीलिए वो उस नोट पे मेंशन अपार्टमेंट में पहुंच जाती है और वो अपार्टमेंट उसके फिंगरप्रिंट से खुल जाता है। वो उस अपार्टमेंट में जाके हवायंग का वेट कर रही होती है और वहाँ पहले से ही उसके वेट में एक ब्लू टी रखी हुई थी जिसे वो पी जाती है। दूसरी साइड डॉयल को इंजू की मिसिंग होने के बारे में पता चलता है और वो उसे ढूंढ रहा होता है। मीनवाइल इन्हें पार्क जेसेंग के कंप्यूटर में रूम्स की सीसीटीवी फुटेज को चेक कर रही होती है और यहाँ उसे पता चलता है कि पार्क ह्यूरिन की मदर ने उससे क्या कहा था, और इसके बाद वो एक वीडियो को देखती है जिससे वो बुरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है। बाद में इन्हें उस वीडियो की फुटेज को पार्क ह्यूरिन को दिखाती है जिस दिन हवायंग का मर्डर हुआ था। वो देखते हैं कि पार्क ह्यूरिन की मदर एक फर कोट को पहनकर जाती हैं और जब वापस आती हैं तो वो फर कोट उन पर नहीं था। इसके बाद वो दोनों हवायंग के मर्डर और अटैक में मिले डॉल के बारे में सोचती हैं, क्योंकि उन दोनों ने ही फर कोट को पहना हुआ था
और जिनसे उनको यकीन हो जाता है कि रियल कल्प्रिट पार्क ह्यून की मदर ही है। बैक टू द सिंगापुर, इंजो हवायंग का वेट कर रही होती है जब भी उसे बाहर से आवाज आती है और उसे लगता है कि हवायंग आ गई है। लेकिन वो हैरान तब हो जाती है जब वो देखती है कि वहाँ पे पार्क ह्यून की मदर है जो येलो ड्रेस में रूम के अंदर एंटर करती है। यहाँ उसे कन्फर्म हो जाता है कि हवायंग सही में मर चुकी है। पार्क जेसेंग की वाइफ उसे रिवील करती है कि सब उसी का प्लान था और आज वो जितने भी लोगों से मिली थी सब उसके प्लान का हिस्सा थे और सबके शर्ट पे हिडन कैमरा इंस्टॉल था जिससे वो उस फुटेज को देखकर हंस रही होती है। उसे इंजू का रिएक्शन देखकर बहुत ही खुशी मिल रही होती है। वो बताती है कि ये सब उसके सीक्रेट प्लान का पार्ट है और वो अपना सीक्रेट प्ले जब से डायरेक्ट कर रही है जब उसने इंजू को फर्स्ट टाइम अपने कंपनी में देखा था जब वो इंटरव्यू देने के लिए आई थी। वो इंजू को पुअर होने और उसके हाइट तक पहुंचने की कोशिश करने के लिए ब्लेम लगा रही होती है। वो इंजू से बताती है कि उसने उसको आउटकास्ट करवाया था और उसके बाद उसने अपने प्ले में हवायंग को एंटर किया था। वो कहती है कि वैसे तो हवायंग उसकी प्ले की फेवरेट कैरेक्टर थी लेकिन वो उस समय मरने के लिए एकदम सही लग रही थी इसीलिए उसने उसको मार दिया। यहाँ ये लेडी पूरी साइको लग रही होती है। इंजू को बिल्कुल भी बिलीव ही नहीं हो रहा था। पार्क जेसेंग की वाइफ बताती है कि उसने उसके मर्डर की भी प्रिपरेशन बिल्कुल सही तरीके से किया है। इंजू इन्हें के बारे में पूछती है जिससे वो बताती है कि उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब तक हीरोइन का अटैचमेंट इन्हें के साथ रहेगा जब तक वो पार्क फैमिली का हिस्सा बन के रहेगी। ये सुन के इंजू बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। इंजू को नींद आ रही होती है जिससे इंजू कहती है कि ऐसे समय पे उसको नींद कैसे आ सकती है, जिससे पार्क जेसेंग की वाइफ हंसते हुए बताती है कि उसने ब्लू ऑर्किड्स टी पी है और इसीलिए उसके साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन इंजू पूरी तरीके से सो नहीं पा रही थी क्योंकि पार्क जेसेंग की वाइफ का इरादा था कि वो अपनी मौत को खुद से विटनेस करे और वो कहती है कि उसे वो इसी बिल्डिंग से फेंकने वाली है और बाहर उसके आदमी उसकी वीडियो बनाने के लिए तैयार बैठे हैं। ये सब सुन के इंजू हार मान जाती है और लास्ट टाइम वो 70 विलियन वॉन दिखाने को कहती है। खुश होकर पार्क जेसेंग की वाइफ उस सूटकेस को खोलने जाती है लेकिन वो देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि उसमें बहुत सारे ब्रिक्स होते हैं और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो इंजू उसकी तरफ गन पॉइंट करके खड़ी होती है। उसे ऐसे हैरान देखकर इंजू उसका मजाक बनाती है और उसको कहती है कि अब उसका फेस ऐसे दिख रहा है जैसे एक छोटी सी बच्ची का उसका टॉय गुम हो गया हो। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।